कि हम तो शहादत की औलाद है, आप किसकी औलाद आप तय कीजिए। आपको और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। इसी बीच आपको बता दें कि भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने बीजेपी को जमकर लथारा है, जमकर भड़के हैं। उन्होंने सावरकर पर भी बयान देते हुए कहा है कि सावरकर गद्दार थे, ईमानदार नहीं बेईमान व्यक्ति थे। वो अपना आदर्श भगत सिंह को मानते हैं और आप किसको मानते हैं ये आप जवाब दें, आप किसकी औलाद है, ये सारा चीज कहते हुए नजर आए हैं भाकपा माले के विधायक महबूब आलम। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं महबूब आलम, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। सर, आपने कल जिस तरीके से सदन में कहा भाजपा को, भाई आराम से आईडी सब नीचे करो ना, भाई गजब के हुआ। आपने जिस तरीके से कर गद्दार भाजपा को बताया और आज भाजपा ने भी आपको जवाब दिया, क्या लगता है, क्या कहना है? मैंने सावरकर की बात की, मैंने कहा कि सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर वीर नहीं है। मैंने कहा कि सावरकर ने जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैकड़ों नौजवान शहीद हो रहे थे, फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, तब सावरकर चिट्ठी के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे, अहद ले रहे थे, संकल्प ले रहे थे। तो ऐसी हालत में सावरकर देश के वफादार नहीं है, वो गद्दार थे। और आप सावरकर की औलाद है, आप गॉडसे की औलाद है, गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, ये सच है। तो आप गॉडसे सावरकर का हवाला तो देते हैं, उसको अपना, उसका आप अपने को वारिस मानते हैं। हम तो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अशफाक उल्ला खान को अपना आदर्श मानते हैं, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को अपना मानते हैं। आपको ये तो, ये सारी बातें जो है, इसलिए हम तो अपना स्पष्ट क्लियर करते हैं, इसलिए हम तो शहादत की औलाद है, आप किसकी औलाद आप तय कीजिए। आपको औरंगजेब का मैंने अपने विचारधारा में कहीं नाम लिया है? कहीं भी अपने जीवन में मैंने औरंगजेब का कहीं नाम लिया है? मैंने मिर्जाफर का नाम लिया है, मैंने नाम लिया टीपू सुल्तान का, मैं नाम लेता हूँ नवाब सिराजुद्दौला का। तो अपना तय करें लोग। आपको बांग्लादेशी बता रहे हैं, बांग्लादेशी बता रहा, आप लोग मेरा जात पड़ताल कर लीजिए जाके कि मैं बांग्लादेशी हूँ कि मैं हिंदुस्तानी।